नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र की बात कर रहे हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाना है। ये रहे आपके क्वेश्चन के आंसर, शुरू करते हैं अपन। ये रहे पूरे क्वेश्चन, देख लीजिए आप, पहला दूसरा तीसरा, ये आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए, पूरा आप देख लीजिए। क्वेश्चन आंसर है ये आपके, इसका पीडीएफ आपको आगे दिया जाएगा पूरी की सॉल्व। देखिए आप ये क्वेश्चन रहे चारों, देखिए आप एक बार उत्तर, इनके उत्तर आपको आगे पीडीएफ में उपलब्ध कराए जाएंगे, देख सकते हैं पूरा। देखिए पूरे क्वेश्चन आंसर है पूरे 1 से लेके 22 तक, पूरे आंसर आपको आगे पीडीएफ में मिलने वाले हैं, तो आप लिख लीजिए, नोट करना है और सभी को शेयर जरूर करें। देखिए पहला, देखिए पहली का आंसर ये रहा आपका C²(nm)t हाँ दो, पहला हो गया। दूसरा, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी करने का प्रतिरोध दिया गया है, दुगना पूरा आप देख सकते हैं। दूसरे का आंसर है एक स्थान, पहले में आवेश संरक्षण, दूसरे में चुंबकत्व, 90 डिग्री परावैगनी तरंगें और तरंग, ये आपका आंसर रहा दूसरे का। तीसरे को देख सकते हो आप, चुंबक की आघूर्ण के सामने क्या आएगा आपका, m², प्लैंक निर्यात के सामने क्या आएगा, gs pn, पूरा देख सकते हो आप। इसके सामने नष्टकारी इलेक्ट्रॉन के रेखीय, पूरा nh/2n। देखिए चौथे का आंसर है, एक बात में उत्तर देना है, तो आप देख सकते हैं धातु का कार्बन किसे कहते हैं, पूरा नोट कर लीजिए आप। ये पूरा आंसर दिया गया है, पहले क्वेश्चन के आंसर को आप देखते चलिए। ये दूसरा क्वेश्चन रहा, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने में प्रकाश धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम कक्षा की ऊर्जा कितनी है, पूरा दिया गया है, नोट करते चलिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6, वोल्टमीटर की सहायता से विद्युत परिपथ में किन्हीं बिंदुओं के मध्य, पूरा आंसर दिया गया, नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ये आपका, पढ़ते चले पर किस खाते चल रहे हैं आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये वार्षिक की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आंसर शीट आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे आप उस परीक्षा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगे आ सकते हैं वार्षिक में, उनको क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। उत्तर ध्रुवीय ज्योति का क्या कारण है, उत्तर ध्रुवीय ज्योति एवं मेरु ज्योति, पूरा दिया गया है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप, एमीटर और वोल्टमीटर में दो अंतर, कोई भी दो अंतर आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप, बायो से वाइट का नियम दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, उसका आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए आप, उसके आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के क्वेश्चन नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 10 के नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं अपन, ऊर्जा 6, ट्रांसफार्मर ऊर्जा 6। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते चलिए आप, 11 का आंसर देख रहे हैं,
जी रहा क्वेश्चन 12 का आंसर। और जी अपन देख रहे हैं जो जी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देख रहे हैं। तो पूरे क्वेश्चन को देखते चले आप, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए आप। क्लासबद्ध स्रोतों के क्या कार्य, क्या तात्पर्य? तो क्या है आपका क्लास नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, ताप यांत्रिक, तापायनिक ऊर्जा से क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर आपका 18 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। पूरा आंसर देखिए जो उत्तर है उसका। क्वेश्चन नंबर अगले चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ी सा आगे पीछे हो गए हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, पूरे क्वेश्चन को नोट करना है, देखते चलते हैं। देखिए जी आ गया अब हमारा अगला विद्युत परिपथ, प्रतिरोध दिया गया है, ये पूरा नियम दिए गए हैं। देखिए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं अपन, ये पूरे क्वेश्चन के आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 19 रहा जी आपका, ये क्वेश्चन नंबर 19 को नोट कर लें आप। बोर के परमाणु मॉडल के मूल अभी ग्रहित। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर ये 20 रहा आपका, पूरे क्रम से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर नोट करते चलना है, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये रहा पूरा क्वेश्चन, जितना संभव हो सका आपको उपलब्ध कराने का हम लोगों ने प्रयास रहा है। वीडियो कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है।